फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने प्रिपरेशंस में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको तो जैसे नोटिफिकेशन से पता चल गया होगा कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम्स आने वाला है और ऑलमोस्ट आपके पास अब 3 से 4 महीने का टाइम बचा है। दिसंबर मिड से आपका सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और ये जनवरी तक चलेगा, जैसे आपका लास्ट टाइम चला था। फ्रेंड्स, सीटेट का एग्ज़ाम जैसे लास्ट टाइम सीबीटी मोड में हुआ था, वैसे ही इस बार भी सीबीटी मोड में होगा। वही आपके सेट्स में चलेंगे, ऑलमोस्ट 1 महीने तक एग्ज़ाम चलेगा। सबको अपने रोल नंबर के हिसाब से आपका डेट शीट आपको 1 हफ्ते या 10 दिन पहले पता चल जाएगा। तो इसमें आपको इसके 2 फ़ायदे हैं सीबीटी मोड के, एक तो फ़ायदा है, एक नुकसान है। तो आपको पता ही होगा कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, फिर भी मैं एक बार अपनी तरफ से क्लियर कर देती हूँ। इसका जो फ़ायदा है फ्रेंड्स, ये है कि जैसे हम कोई भी ऑप्शंस ऑफलाइन में फिल करते थे और उसमें हम ओएमआर सीट में हम भर देते थे, तो उसके पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था उसको चेंज करने का, आंसर को अगर हमें चेंज करना है। बट इसमें होता है, अगर हम उसमें फिल भी कर देते हैं, भर देते हैं, लेकिन अगर हमें लास्ट में लगता है कि हमें आंसर चेंज करना है, इसका आंसर ये नहीं ये होगा, तो फाइनल सबमिट से पहले आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ये तो इसके हो गए बेनिफिट। और इसका एक नुकसान है, नुकसान ये है कि ऑफलाइन में हमें पेपर्स बाइलिंगुअल मिलता था, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों क्वेश्चन पेपर होते थे, एक साइड हिंदी होता था एक साइड इंग्लिश। इससे ये होता था कि अगर हिंदी में कोई वर्ड टफ लग रहा है तो हम इंग्लिश में उसका मीनिंग्स या इंग्लिश में उसके वर्ड्स को देख लेते थे और हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता था। बट इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऑनलाइन में आपको पहले ही ऑप्शन चूज़ करने को मिलता है, आप मीडियम चूज़ के लिए हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम चूज़ करते हैं तो आपको पूरा पेपर हिंदी में ही मिलता है, और आप अगर इंग्लिश मीडियम चूज़ करते हैं तो पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही मिलता है। तो इसमें बाइलिंगुअल नहीं होता, ये इसका एक नुकसान है जो प्रीवियस टाइम में था, लास्ट टाइम में था। अब इस साल होगा नहीं होगा ये मैं कह नहीं सकती, बट लास्ट टाइम ये ऐसा पेपर में देखा गया है। यह तो हो गया सीबीटी मोड का। उसके बाद आपका जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न हमको पता है कि 150 नंबर का होता है, जिसमें आपको 90 नंबर पास के लिए चाहिए होता है। जो रिजर्व कैटेगरी है उसको कुछ कंसेशन मिलता है, लेकिन उन्हीं को मिलता है जिनके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है, चाहे एससी एसटी या फिर ओबीसी का, अदरवाइज़ नहीं मिल पाता है। एंड सेकंड थिंग्स कि आपको जैसे पता है कि 90 मार्क्स का आपको क्लियर करना है, लेकिन पेपर 150 का है, लेकिन हम इसका जो टारगेट है वो हम 90 का लेके नहीं चल सकते हैं। इसको हमें कम से कम 130 का टारगेट लेके चलेंगे, तब जाके हमारा कुछ 100, 110 या 120 का हम सोच सकते हैं कितना हमारा आएगा। तो लोग सोचते हैं कि अरे 130 कैसे आएगा, आने वाले के फ्रेंड्स 145, 149 भी आते हैं। तो इसकी स्ट्रेटेजी बहुत ईजी है, लेकिन अगर उसको आप ध्यान से सुने, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको लागू करके 3 से 4 महीने आप वैसे ही स्टडी करेंगे, तो हार्डली आप अगर रोज़ के अगर आप 2 से 3 घंटे अभी से देना शुरू कर देते हैं तो भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी एग्ज़ाम टाइम तक। तो जैसे इसका सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ये 5 सेक्शन में बटा होता है पेपर, 30-30 मार्क्स का हर सेक्शन होता है। फर्स्ट सेक्शन आपका सीडीपी होता है जिसमें 30 मार्क्स आते हैं, फिर उसके बाद आपके पास हिंदी आता है जिसमें 30 मार्क्स, फिर इंग्लिश आपके पास 30 मार्क्स, मैथ्स 30 मार्क्स एंड ईवीएस। ये है पेपर 1 के लिए, मतलब लेवल 1 के लिए, जो कि 90 मार्क्स का है। उसके बाद है लेवल 2, जिसमें आपका सेम है 30 मार्क्स का आपका थर्टी मार्क्स आपका सीडीपी है, 30 मार्क्स का मैथ्स है, 30 मार्क्स का आपका मैथ्स एंड साइंस है उन बच्चों के जो साइंस कैटेगरी से है, और जो एसएसटी से है उनके लिए 60 मार्क्स का एसएसटी है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश है 30-30 मार्क्स का। उसके बाद ये जैसे सारे हो जाते हैं, तो आपको जैसे पता है कि 30 मार्क्स का मैंने जैसे अभी सीडीपी बोला, एक अलग सेक्शन 30 मार्क्स का सीडीपी का तो है ही, प्लस में जो बाकी 4 सेक्शन है उसमें भी 15-15 मार्क्स का आपका सीडीपी ही होता है। तो टोटल आपका सीडीपी 30 और 15 चौके 60, मतलब 30 और 60 90 मार्क्स का आपका सीडीपी हो जाता है साइकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान या बाल शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें अगर आप ये चाइल्ड साइकोलॉजी को अगर आप 90 मार्क्स को कवर कर लेते हैं और 90 में से अगर आप 60+ भी ले आते हैं तो आपका सीटेट ईजिली क्लियर हो जाएगा। इसको खजा करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसको करने के लिए आप सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करिए। जो लेवल 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो करिए, 6 to 8 आप देखिए। एसएसटी में आप देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड आपका ज्योग्राफी।
अगर आप ये तीनों देखते हैं और सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अगर आप कवर करते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, पहले तो आप एक बार थ्रू आउट हो जाइए, पूरा उसको रीडिंग कर लीजिए, दिमाग में समझ में आए ना आए एक बार आप रीडिंग कर लीजिए। सेकेंड टाइम जब आप रीडिंग करेंगे तो उसको अंडरलाइन करिए, जो वर्ड आपको लग रहा है कि इससे क्वेश्चंस बनेंगे। अंडरलाइन करने के बाद उस क्वेश्चंस के आप उस लाइंस के आप नोट्स बना लीजिए। एक महीने में, एक से दो महीने में आप दो बार एनसीईआरटी को फिनिश करिए, उसके नोट्स बनाइए, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है एसएसटी के लिए। अगर आप इतना कर लेते हैं और प्लस में आप प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के पेपर लगा लेते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस रिपीट हो के आते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती है, लेकिन क्वेश्चंस वही होता है, आंसर उसके वही होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो बार बार हमारी चेंज नहीं हो रही है ना, तो उसी में से पूर्ण निकल के आते हैं। इस बार जैसे आपको पता है कि प्रीवियस टाइम में जैसे सीबीटी हुआ था, तो इस बार अब क्या हो गया कि हर पेपर रोज़ अलग अलग आता है, किसी का टफ आता है, किसी का मॉडरेट आता है, किसी का इजी आता है, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन के भी चांस होते हैं। तो हम सिर्फ एक ही पेपर को एक पेपर सॉल्व कर लेंगे, हम सोचेंगे यार इससे हमारा हो जाएगा, इसमें हमारे 150 में से 120-130 आ गया, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर चेंज होते हैं, रोज़ आता है। आपका रोल नंबर किस दिन पड़ेगा, आपके पेपर आपका जिस दिन रोल नंबर उस दिन पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपको पूरा एनसीईआरटी को कवर करना है, ये हो गया आपका एसएसटी के लिए। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा चाइल्ड साइकोलॉजी, उसमें आपकी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे आपका है जीन पियाजे जी, लेवाइगोत्स्की जी, चोमस्की, नोम चोमस्की जी, फिर उसके बाद इसमें आपके स्किनर, ये सब थोंडाइक, ये सब एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनके थ्योरी, जिनसे क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। इस पर मैं जैसे चैप्टर वाइज आपके नोट्स में और आपके प्रिपरेशंस करवाऊंगी, उसके लिए आप मेरे चैनल से लगे रहिएगा। इसमें आप अगर 90 में से आप अगर 60 प्लस भी ले आते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास बचा क्या, लैंग्वेज में आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश। हर बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है और ना ही हर बच्चे की हिंदी बहुत अच्छी होती है। जिन बच्चों की, जो बच्चे हिंदी मीडियम से, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, वो 30 में से 25 प्लस आराम से ले आएंगे, बहुत इजी हिंदी आती है। और जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो भी 25 प्लस ले आएंगे। हाँ, लेकिन जिसकी अगर इंग्लिश वीक है तो भी 30 में से आप 15 प्लस की तो उम्मीद कर ही सकते हैं, इतनी बहुत ईजी तरीके से आ जाती है। और जिनकी हिंदी भी क्या, उनकी भी 20 प्लस आराम से आ जाती है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे फ्रेंड्स तो आपका 120 आराम से बन जाता है, अगर आप अच्छे से तैयारी करें, जैसे मैंने आपको बोला लेवल 2 के लिए। और फ्रेंड्स जैसे लेवल वन में लेवल 2 से जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की, उसका पेपर थोड़ा इजी आता है, ग्रामर भी इजी पूछा जाता है। और उसके बाद आपका CDP चाइल्ड डेवलपमेंट भी लेवल 2 से लेवल 1 का थोड़ा इजी होता है, तो उसमें आपकी कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसमें दो अलग से सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके मैथ्स एंड EVS भी आप 3, 4, 5 की आप NCERT कवर करिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो 3, 4, 5 की आप NCERT ले लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल की जो NCERT होती है, और उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे मैथ्स भी जो फ्रेंड्स है वो 8 लेवल तक का ही पूछा जाता है, बहुत इजी होता है। और ये एक बार ट्रिक होती है इसके सॉल्व करने की, उसके अगर आप एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू करेंगे अभी से, अगर आप प्रैक्टिस आधा घंटा भी मैथ्स को रोज़ देंगे, एवरी डे देंगे सिर्फ आधा घंटा, तो हमारा मैथ्स भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं इसलिए आधा घंटा कह रही हूँ क्योंकि मैथ्स हमारे लिए नया नहीं है, सब ने 10th तक मैथ्स पढ़ा है। हाँ, हम छोड़ दिए हैं मैथ्स को तो ये लगता है कि अरे मैथ्स है कैसे होगा, टफ है, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमने 10th तक तो मैथ्स किया है ना, तो हमें नॉर्मली जमा घटा गुणा भाग तो आता ही है, हमें इसकी ट्रिक पता है, इसके फॉर्मूले से हमें बस रिकॉल करना है कैसे इसके ट्रिक से हमें करना है, तो ये आराम से हो जाएगा। और 30 में से मैथ्स में आराम से 20 ले आएंगे, क्योंकि 15 मार्क्स का तो आपका कंटेंट होता है और 50 मार्क्स का आपका CDP होता है। तो अगर आप 30 में से आराम से, अगर CDP भी अच्छे से करके जाते हैं, कंटेंट भी, तो 20 तो ईजिली आ ही जाएगा आपका। तो लेवल 1 की भी तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए आप पहले 90 मार्क्स के CDP कवर करिए। तो इसके लिए आपको लेवल 1 के लिए अलग पढ़ना है, लेवल 2 के लिए अलग पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ CDP सोचिए कि हम मुझे CDP पढ़ना है, एक CDP की बुक उठाइए। CDP के लिए आप ले सकते हैं अरिहंत की बुक, मैं आपको बुक्स दिखा दूँगी। अरिहंत की बुक्स में आप आराम से, उसमें हर चैप्टर दे रखा है,
आप उस चैप्टर से रीडिंग करिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आकर उस टॉपिक को सर्च करिए और वो टॉपिक आपको ईजिली कवर हो जाएगा। तो अगर आपका 90 मार्क्स का CDP हो जाता है तो उसके बाद आप ईजिली कर लेंगे हिंदी एंड इंग्लिश लेवल 1 के लिए और साथ में आपका EVS, तो आपका हो जाएगा लेवल 1। और लेवल 2 के लिए तो मैंने आपको बहुत ईजी तरीका बताया NCERT। कुछ आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ NCERT को थ्रू आउट हो जाइए चैप्टर वाइज चैप्टर। हर चैप्टर में, हर बुक में 6th की बुक, 7th की बुक और 8th की बुक। और आप हिस्ट्री देखते हैं तो हर 6th की बुक में 6-7 चैप्टर हैं, 7th बुक में 6-7 हैं और ऐसे 5-6 आपके 8th में हैं। तो अगर आप टोटल देखेंगे हिस्ट्री के लिए तो आपका 20-21 चैप्टर हैं, ऐसे 20-21 इसके हैं क्वालिटी के और 20-21 आपके ज्योग्राफी के। अगर आप ये 2 महीने में सिर्फ थ्रू आउट हो जाते हैं और उसको अंडरलाइन करके नोट्स, पतली सी नोट्स बना लेते हैं जिसमें कीवर्ड में आप सारे आंसर्स कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में आप 15-20 दिन पहले भी उसकी प्रिपरेशंस करेंगे और फिर भी सर के पेपर लगाएंगे तो बहुत ईजी तरीके से और बहुत सटीक आंसर इसके लग पाएंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे इतना ही बोलूँगी, स्ट्रेटेजी सिर्फ एक ही है कि अभी से आप 2 घंटा कम से कम सेल्फ स्टडी करिए, NCERT के थ्रू आउट हो जाइए, उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जो टॉपिक समझ में ना आए उसको आप सर्च करिए यूट्यूब पे और उसको वीडियो देखिए और उसके नोट्स बनाइए। और लास्ट टाइम की लिए मैं आपको सजेशन दूंगी, जैसे एग्ज़ाम से 1 महीने पहले से आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, पिछले साल के आप पेपर लगाइए, 30 पेपर हैं, बहुत पेपर हैं, 30 साल लग जाते, 15 साल लग जाते थे 30 पेपर को इकट्ठा करने में, क्योंकि पहले साल में 2 बार ही पेपर होता था, लेकिन अब तो 1 साल में आपका 1 ही बार होता है, लेकिन 30-30 सेट निकलते हैं, तो उस 30 सेट को अगर आप निकाल लगा लेते हैं प्रैक्टिस के लिए तो बहुत हो जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और उसके बाद कुछ भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे इस चैनल पे कमेंट करिए, मैं आप उसके डाउट को, उस क्वेरी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मेरा जो आने वाले वीडियोस होंगे वो होंगे आपके CDP के लिए और मैं कोशिश करूँगी कि आपके SST के लिए भी अच्छे से आपके नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाऊँ जिससे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो पाए। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो, समझ में आई हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।